प्रदेश के मुरादाबाद में आज सुबह आगरा स्टेट हाईवे पर बस और ट्रक के बीच हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक घायल हो गए, जिसमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। आज सुबह लगभग 8 बजे थाना कुनरकी इलाके में आगरा स्टेट हाईवे पर उस समय कोहराम मच गया जब एक बस और DCM में भीषण टक्कर हो गई। कोहरे के चलते हुए इस सड़क हादसे ने जिला प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। घटना इतनी भीषण थी कि बस के एक हिस्से के पड़खच्चे उड़ गए और मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य करते हुए घायलों को जिला अस्पताल भिजवा दिया है और DM SSP सहित आला अधिकारी घटना स्थल पर बने हुए हैं। गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचे घायलों में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ सर? ये अभी इसकी जांच की जा रही है और जो प्रथम दृष्टया बताया गया है कि लगभग 8 बजे के आसपास DCM था, उसको ओवरटेक करने के चक्कर में एक बस ने साइड मारा और बस उससे ट्रक आ रहा था, उससे भी साइड लग गई, वो ट्रक भी पलट गया। सारी चीज़ों की अभी जांच की जा रही है क्योंकि इसमें संख्या लगभग 8 के आसपास है। सर कितने लोगों की मौत हो गई है लगभग? अभी वेरिफिकेशन किया जा रहा है लेकिन जो यहाँ से डेड बॉडी मिली है वो 8 की। सर हादसे का कारण क्या रहा सर? अभी तो हम मौके पे अभी तो जांच की जा रही है, तुरंत आधे घंटे का अंदर रेस्क्यू करना पड़ेगा। सर जो एक्सीडेंट हुआ सर क्या है, सर कैसे हुआ? ये थाना बिलारी में एक DCM और बस के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ से घायलों को यहाँ जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में अभी 6 घायलों को भर्ती कराया गया, इसके अलावा 6 मृत व्यक्ति हैं। इन सभी के बारे में परिवारजन के बारे में जानकारी की जा रही है और भी घटना स्थल पे मौके पे फोर्स मौजूद है और जो भी इसमें अपडेट होगा उस सब। ठीक है।